नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सालदी और आप देख रहे हैं जीएसएस न्यूज। इस वक्त मैं दक्षिणी दिल्ली के नेवसराय इलाके में मौजूद हूं। नेवसराय इलाके में एक बहुत ही ज़्यादा जो मतलब कि यहाँ के काउंसलर हैं या फिर यहाँ के विधायक हैं, उनकी इररेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो पानी भरा हुआ है ये एक रोड का टुकड़ा है जिसको मैं पिछले कई सालों से यहाँ देखता आ रहा हूँ। और पिछले कई सालों से इस रोड का ये पानी भरे होने का जो प्रॉब्लम है उसको किसी ने सॉर्ट आउट नहीं किया है। नो वन इज़ गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड जो यहाँ के लोग हैं, आप देखिए, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा यहाँ की बिल्डिंग्स दिखा दी जाएँ। यहाँ पे ये घर हैं, इन घरों में काफ़ी सारे लोग रहते हैं और नॉर्मल सी बात है कि भाई एजुकेटेड भी होंगे, नॉन एजुकेटेड भी होंगे। तो इस गंदे पानी के ठहराव से इसमें जो उत्पन्न बीमारियाँ हैं, जो भी बीमारियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं, उन बीमारियों से ये लोग जूझ रहे हैं और इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। लेकिन आज तक यहाँ पर किसी भी विधायक, किसी भी काउंसलर ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। दिल्ली में दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और केंद्र में मोदी की गवर्नमेंट है, जिसको कि बीजेपी गवर्नमेंट कहा जाता है। लेकिन ना बीजेपी गवर्नमेंट इसमें कुछ करती है, ना ही आम आदमी पार्टी इसमें कुछ करती है। तो इस तरीके की समस्या कब तक लोग झेलेंगे और कब तक लोगों को ये समस्याएँ होंगी? इसी के नियर अबाउट में ओनली जस्ट 1000 meters फोर अवे फॉर दिस प्लेस इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित है। तो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बगल में इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइए। आगे मैं जनता का यहाँ पर रिव्यू दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कवरेज में। मैं आपको यहाँ के जो विधायक हैं उनसे चर्चा करूँगा, यहाँ के जो काउंसलर हैं उनसे चर्चा करूँगा और वो क्यों इस पर काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, एक पूरा रोड दिखा दिया है। ये रोड जो है, जहाँ तक ये रोड जाता है, जहाँ पे लास्ट तक आपको मेरे कैमरे में दिखाई दे रहा है, वहाँ तक नेव वैली, जहाँ तक मेरे कैमरे में ये रोड दिखाई दे रहा है, वहाँ तक नेव वैली आती है, यानी नेवसराय आता है। तो नेवसराय का जो एरिया है, उस एरिए में जो विधायक है, जो भी काउंसलर है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इसके बाद लग जाता है सैनिक फॉर्म का एरिया। तो सैनिक फॉर्म जो है वो एक प्राइवेट कॉलोनी है और सैनिक फॉर्म देखा जाए तो फॉर्म्स हैं, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि फॉर्म्स के अंदर ओनली 10% कंस्ट्रक्शन जो है वो लीगल होता है। लेकिन देखा जाए तो सैनिक फॉर्म के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट कवरेज में आप नहीं दिखाऊंगा, वहाँ पे 20-30% से भी ज़्यादा कवरेज दे रखा है और 30-40% के करीब कंस्ट्रक्शन हो रखा है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि उस जगह पे अभी हाल ही में एक रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है, रोड जो कि ऑलरेडी क्लियर था, फेत था, साफ सुथरा था, उस रोड पे दोबारा से कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो रहा है, वाई? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। आम जनता से मैं प्रश्न पूछता हूँ, उस गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि ये गवर्नमेंट क्यों और इस जगह पे ये काम नहीं करवा रही है? क्या यहाँ पे वो लोग नहीं रहते हैं जो सत्ता में मौजूद हैं? क्या यहाँ पे वो पावरफुल लोग नहीं रहते हैं? या आम आदमियों को इसी तरीके का इन गवर्नमेंट्स जो है हर्जाना देगी कि भाई आप लोग हो, मतलब जीने मरने का जो भी आपकी प्रक्रिया है, आपका वोट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट नहीं, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। तो ये हमारे देश की बहुत ही बड़ी दुखद घटनाएँ हैं। बाकी आगे इस वीडियो को लेकर, इस कवरेज को लेकर जो भी आप लोगों के विचार हैं वो आप मेरे को कमेंट्स में दे सकते हैं। जब तक के लिए अपने दोस्त प्रदीप सालदी को कैमरा पर्सन दिनेश सिंह के साथ दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।